हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ अमरजोत सिंह एडमंटन कनाडा से, और लाइन पे जुड़े हुए हैं असीम राणा। फ्रॉम वेयर असीम, कहाँ पर हैं आप? सऊदी अरेबिया में। सऊदी में हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं पाकिस्तान में। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी इधर मैं 6 साल से। 6 साल से। अभी आपको वर्दी में देख रहा हूँ मैं, क्या जॉब कर रहे हैं आप? जी सर मैं इधर साइड इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी कोई डिग्री है इंजीनियरिंग में? सर मेरी डिग्री है दूसरी, ये सिविल इंजीनियर की सिविल है, 3 साल इंजीनियरिंग। की। जी अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग की आपने डिग्री करी है, और कितने साल हो गए काम करते हुए? जी सर मुझे इधर सऊदीया में 6 साल हो गए। अच्छा, बताएं मेरे से क्या आपकी क्या सवालत है आपके? जी सर मैं इधर कनाडा में विजिट पे वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता, तो इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया था। विजिट वीजा आपको अभी मिलेगा नहीं, ओके, और इस पहली बात तो यह है कि अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। करीब 6 महीने से तक तो अभी आप वेट करें। और विजिट वीजा अगर आप अप्लाई करेंगे, तो विजिट वीजा कहाँ पर जाएंगे, किससे मिलने जाएंगे कनाडा में? कनाडा में सर मेरा रिलेटिव्स कोई नहीं है, और वैसे ही विजिट के लिए जाएंगे बस। वीजा देंगे नहीं आपको, अपना पैसा और टाइम खराब ना करें। जी ओके, थैंक यू, यही पूछना अगर अगर चाहिए। आपको अगर आपको जाना है पहले कनाडा, तो अपनी हिस्ट्री बनाए पहले, अमेरिका का वीज़ा ले लें, इंग्लैंड का ले लें, ऑस्ट्रेलिया इधर का ले लें, फिर जाके करें। आप अकेले जाना चाहते हैं कि आपकी फैमिली है साथ? नहीं ये अकेले। हाँ, आपको वीज़ा वो शर्तियाँ नहीं देंगे, मेरे को पता है कि आपको वीज़ा नहीं देंगे, तो इसलिए अपना पासपोर्ट ख़राब ना कर लें, पहले और ट्रैवल रिकॉर्ड बना लें। हाँ पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, थोड़ा सा यूरोप वगैरह में घूम के आएँ, और थोड़ा सा चाहे तो ऑस्ट्रेलिया लगा लें वीज़ा अगर वहाँ लगता है, या US का लग जाए तो सबसे सबसे बेहतर चीज़ है, तब जाके जी अपना जी कनाडा पे हाथ उधर तक पहुँचाएँ ज़रा। अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, बाकी कंसल्टेंट तो कहते हैं जी लगा देंगे आपका, हो जाएगा, और हो जाएगा तो वो कहेंगे जी हमें तो पता था आपका होना था, और नहीं हुआ था कहे जी पता नहीं जी क्यों नहीं हुआ जी आपका, जी किस्मत ख़राब है। सो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इट्स आई डोंट सी एनी प्रॉस्पेक्ट ऑफ हैपनिंग। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक बात है आपकी। नहीं इंशाल्लाह मैं इसके पहले हम ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, उसके बाद हम कनाडा के लिए अप्लाई करें तो फिर बेटर रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और छोड़े इन सब की बात छोड़े, सऊदी में क्या हाल है आप बताएं, वहां पर क्या कोरोना वायरस से क्या हाल है? जी सारे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं फिलहाल तो, अच्छा लेकिन रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इंशाल्लाह। ये अभी कर्फ्यू कुछ नरम कर रहे हैं, कर्फ्यू है बिल्कुल, लेकिन कुछ नरम कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह। इस वीक से अभी नरम कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और पाकिस्तान में क्या हालत है आजकल वहाँ पर कोरोना के? जी पाकिस्तान में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, कुछ रिकवरी भी हो रही है, बस नॉर्मल चल रहा है अभी। अच्छा, ठीक है। चलिए अपना जी ख्याल रखें, और अपना कनाडा थोड़ा में सा नहीं, कनाडा में भी कम हो रहा है उसका कोरोना वायरस का, धीरे धीरे कम हो रहा है सर, लेकिन अभी भी खतरा तो बना हुआ है, अभी 6 महीने तक रहेगा लगता है पूरा। जी, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने निकालने के लिए हमारे लिए, बहुत ठीक है, खुदा शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ओके शुक्रिया, थैंक यू।